हेलो हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एंड एनालिसिस में। आज का टाइटल है तैश, जो कि हिंदी थ्रिलर ड्रामा फीचर फिल्म है और ये स्ट्रीम हो रही है Z5 पर कल से, यानी कि 29 अक्टूबर 2020 से। हमारी मराठी भाषा में कहावत है अति तिथे माती, यानी कि जहां एक्सेसेस होते हैं वहां पर डिजास्टर होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। अब ये एक्सेसेस, ये ज्यादतियां और ये अतिशोक्तियां किसी भी तरीके की हो सकती है। हो सकता है कि आपने पहले से ही मान लिया हो कि आप कुछ तो भी बड़ी क्रांति लाने वाले हो, कुछ ऐसा करने वाले हो कि लोग दांतों तले उंगलियां दबा देंगे और लोगों का ही नहीं पूरी जनता जनार्दन का कल्याण हो जाएगा। आप ये मान के बैठ गए हो कि आप ऐसी प्रोडक्शन डिजाइन दिखाने वाले हो, ऐसी स्वयं की कार्स दिखाने वाले हो, ऐसे जबरदस्त फॉरेन का लोकेशन दिखाने वाले हो, ऐसे जबरदस्त कॉस्ट्यूम्स दिखाने वाले हो, ऐसा फुट टैपिंग म्यूजिक समझाने वाले हो, दिखाने वाले हो और पेश करने वाले हो जिससे कि सारा इतिहास ही बदल जाए। आप ऐसा कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स पर लेकर आ रहे हो जिससे कि सारे OTT प्लेटफॉर्म्स का स्ट्रीम ही चेंज हो जाए। आप कुछ ऐसा करने वाले हो जिससे कि वाइड एंगल्स, टॉप एंगल्स, क्लोजअप्स, एडिटिंग और परफॉर्मेंस, ऐसा कुछ दिखाने वाले हो जो आज तक कभी किसी ने देखा ही नहीं हो। आपका अहंकार, आपका गर्व इतना सर चढ़ के बोलने लगा है कि आपने ये मान लिया है कि आप जो कुछ कर रहे हो वो इतना जबरदस्त है, इतना खास है कि आप सबसे कह सकते हो कि देखो 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 ये है जलवा। यानी कि ये सारी अनुभूतियां और ये सारे एक्सपीरियंसेस हमको तब आते हैं जब हम तैश देखते हैं, और तैश देखने के बाद हमको मालूम पड़ता है कि इस फिल्म ने तो एक्सेसेस की सारी हदें पार कर दी। बचा खुचा एक्सेस आपका इस बिजनेस एक्यूमन में दिखाई देता है कि आपने 2.5 घंटे की पिक्चर के साथ आधा पौना घंटा एक्स्ट्रा शूट करके, एक्स्ट्रा फुटेज लेकर एक 3 घंटे की वेब सीरीज बनाकर उसको 6 भागों में 30-30 मिनट का बांट दिया है, और एक फिल्म और वेब सीरीज एक साथ स्ट्रीम करके आपने अपनी अक्ल का भी परिचय दे दिया है। कुछ फिल्मों के मैं नाम लेता हूं, जैसे कि अभिषेक बच्चन की द्रोणा और रावण, उसके अलावा अजय देवगन की एक्शन जैक्सन और हिम्मत वाला, उसके अलावा नो स्मोकिंग और फिर रुद्राक्ष, और फिर उसके अलावा राम गोपाल वर्मा की आग। इन सारी फिल्मों में अगर आप देखें तो स्टाइल है, सब्सटेंस नहीं है। वही बात तैश में है, स्टाइल का एक्सेस है लेकिन सब्सटेंस नदारद है। कहानी इतनी कमजोर है कि मुझे ऐसा लगता है कि पहले फॉरेन के लोकेशंस चूज किए गए, उसके बाद एक्टर्स का चयन हुआ, उसके बाद फाइट सीक्वेंसेस डिसाइड किए गए और उसके बाद कहानी लिखी गई। कहानी यह है कि लंदन के आउटस्कर्ट में एक शादी होने जा रही है जिसमें दूल्हे का भाई, बड़ा भाई और उसका एक दोस्त उस शादी में पहुंचते हैं, और उस जगह पे एक अंडरवर्ल्ड डॉन, माफिया या मनी लेंडर जो भी है, उसकी एक क्रिमिनल वायलेंट फैमिली रहती है, उनके साथ इनकी मुठभेड़ हो जाती है। अब ये जो मुठभेड़ है वो दिखाने का तरीका ये है कि हमको मालूम पड़ता है कि पंजाबियों की शादियां कैसी होती हैं, उनका खाना पीना, उनका नाच गाना, उनकी शराब, उनकी भाईचारा, उनका ब्रोमांस, इन सारा का सारा जो दिव्य दर्शन है वो एक साथ ही हमको इस फिल्म में देखने को मिलता है। और हमें मालूम पड़ता है कि ये सारे के सारे कैरेक्टर्स तो बहुत ही तैश में हैं, यानी कि डायरेक्टर ने तैश इस शब्द को लिटरली बहुत ही सीरियसली लिया है। यानी कि अच्छा हुआ कि फिल्म का नाम गर्म हवा नहीं है, नहीं तो फिर डायरेक्टर क्या करता था समझ में नहीं आता क्या दिखाता था। इस फिल्म में कोई भी बात नहीं करता, सारे के सारे ही चिल्लाते हैं। इतनी चिल्लम चिल्ली है इस फिल्म में कि फिल्म खत्म होने के बाद अगर आपके पड़ोस का बच्चा भी रोने लग जाए तो आप खुद चिल्ला उठोगे। इस सारी फिल्म को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, रोना, धोना और सोना। रोना इसलिए क्योंकि इसमें सारे के सारे ही कैरेक्टर्स रोते रहते हैं, खासकर हर कैरेक्टर को कोई ना कोई तकलीफ है और उसको दुख है और वो रोते रहता है। इसमें संजीदा शेख तो इतनी ज्यादा रोती है कि मुझे लगता है कि टेक्स और रिटेक्स के दौरान कम से कम नहाने का एक पूरा पानी का टब तो भर ही गया होगा। मतलब वो तब भी रोती है जब उसको अपने प्रेमी को यह बताना है कि वो माँ बनने वाली है, वो तब भी रोती है जब वो अपने प्रेमी को यह बताना चाहती है कि वो माँ नहीं बनना चाहती, वो तब भी रोती है जब प्रेमी उससे कहता है कि चलो कहीं भाग चले। यानी कि उसके अलावा सारे फीमेल कैरेक्टर्स भी रोते हैं, इन सारे कैरेक्टर्स को दर्शकों का रोना नहीं दिखाई दे रहा है। जब ये रोते नहीं है तब ये धोते हैं, यानी कि धोना मतलब मारपीट, लड़ाई झगड़ा,
मतलब ये हर एक कैरेक्टर दूसरे के पीछे हाथ धोकर पड़ा है उसको धोने के लिए, मन अनइंटेंडेड, यानी कि कोई ये सोच रहा है कि उसके हाथ में अगर चाकू आ जाए या उसके हाथ में बंदूक आ जाए, तलवार आ जाए, वॉश बेसिन आ जाए, उसी को पकड़कर और दूसरे को मारने की कोशिश कर रहा है। मतलब इतनी ज्यादा मारधाड़ है। जब ये लोग रो नहीं रहे हैं, धो नहीं रहे हैं, तो ये सो रहे हैं। कोई बॉस की बेटी के साथ सो रहा है, कोई बॉस की बहन के साथ सो रहा है, कोई 10 साल के लड़के के साथ सो रहा है, कोई पाकिस्तानी गर्लफ्रेंड के साथ सो रहा है, यानी कि सोने से ज्यादा कीमती सोना है। डायरेक्टर बिजॉय नामवियार से काफी उम्मीदें थी, क्योंकि उनकी जो 3 फिल्में उन्होंने इसके पहले बनाई थी, शैतान, वजीर और डेविड, वो ठीक ठाक फिल्में थी। लेकिन इस फिल्म को देखकर ऐसा लगता है कि उनके ऊपर जवान अनुभव सिन्हा ने जब बनाई थी कैश और 10 और जवान संजय गुप्ता जिन्होंने कांटे और मुसाफिर बनाई थी, उनका गलत प्रभाव दिखाई दे रहा है। उनके अलावा राइटर्स में है कार्तिक अय्यर, अंजलि नायर और गुंजीत चोपड़ा, इन चारों ने मिलकर भी इस प्रोडक्शन वैल्यू को जचे ऐसी कहानी नहीं लिखी है। सिनेमाटोग्राफी है हर्षवीर ओबेरॉय की, जो कि अच्छी है, और म्यूजिक में है राघव सचर, प्रशांत पिल्लाई, एनबी गोविंद वसंता और गौरव गोनखिड़ी, जो अपना हुनर दिखाने में सक्षम है। कलाकारों में एक्टर्स की बजाय ओवर एक्टर्स है। हर्षवर्धन राणे इस तरीके के एक्सप्रेशंस लेकर आए हैं जैसे कि उन्होंने कोई काढ़ा पी रखा हो। उसके अलावा पुलकित सम्राट सलमान खान की बहुत ही सस्ती कॉपी नजर आ रहे हैं, और उनके अलावा जो जिमी सर्ब और कृति करवंदा है, वही दो थोड़े से मैच्योर और सेंसिबल लग रहे हैं इस सारी स्टारकास्ट में। बाकी सारे के सारे ओवर एक्ट कर रहे हैं और हैमिंग कर रहे हैं। इस फिल्म में माँ के कैरेक्टर में कुनिका लाल, जो एक सीन में बड़े जोर से कहती है कि क्या हो रहा है इस घर में, हम भी यही कहना चाहते हैं कि क्या हो रहा है इस घर में, जिसका नाम है Z5। 3 स्टार्स।